हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स कृष्णा देवतपाल ब्लॉग चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है तो मैं यहाँ आज मूली के पराठे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो गाइस, मॉर्निंग में मैं थोड़ा सा वार्म वाटर पीती हूँ और हॉट ज़्यादा ही हो गया, तो इसमें मैंने थोड़ा सा कोल्ड वाटर मिक्स किया था ताकि ये लूक वार्म हो जाए। और साथ के साथ फ्रेंड्स, मैं अपना कपड़ों को भी बाहर डाल रही थी क्योंकि मॉर्निंग में जो धूप है वो जल्दी आ जाती है, जल्दी मतलब 9 बजे करीब आ जाती है मेरे फ्लोर पे धूप। तो देख सकते हैं आप, मैंने रात को एक्चुअली मशीन लगाई थी, तो मशीन लगाने का एक रात को यही फ़ायदा होता है कि मॉर्निंग में धूप आ जाती है तो फटाफट से हम कपड़े डाल देते हैं। तो यहाँ देखिए, धूप में बच्चों के कपड़े मेरे सूख रहे हैं और मैं थोड़ा सा आपको बाहर का भी मेरा जो बाहर का व्यू है वो दिखाना चाहूँगी। ये देखिए हमारी गली है। तो गाइस, यहाँ पे देखिए, मैं पराठे बनाने की तैयारी कर रही थी तो मूली में आपको पता ही है कितना एक्सेस वाटर होता है, वो सारा ही मैंने रिमूव कर दिया है। और उसके बाद मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया है। ऑयल लेने के बाद मैंने इसमें अजवाइन और हरी मिर्च डाल के इसके अंदर जो मैंने मूली को ड्राई किया था पानी निचोड़ के, वो सारा मैंने सारी मूली मैंने इसके अंदर डाल दी है। और अब इसके अंदर जाएंगे मसाले जो कि आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाला है हल्दी पाउडर 1 स्पून, बहुत ही छोटी स्पून है ये, और अपने अकॉर्डिंग आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। बहुत ही थोड़ी मैंने लाल मिर्च डाली क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं, हरी मिर्च भी मैंने बहुत ही थोड़ी डाली थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने इसको ड्राई कर लिया है अच्छे से और इसके ऊपर मैंने धनिया पत्ती से इसको अच्छे से गार्निश कर दिया है। ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है किसी भी फूड में, तो यहाँ मैंने इसको स्प्रेड कर दिया है अच्छे से। ये हो गया है डन। और अब चलते हैं इसको पराठे बनाने की तैयारी। तो मेरी हो चुकी है आधे से ज़्यादा। देखिए, मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और इतना कुछ हो नहीं पाता, लेकिन आज संडे का टाइम था, इस वजह से हस्बैंड ने जाना था लेट और फिर मैंने सोचा क्यों ना आज मूली के पराठे बना दिए जाएँ। तो ये देखिए, ये मूली थोड़ी सी बिखरी जाती है जितना मर्जी ड्राई की, बट यकीन मानिए पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे खाना बनाने के बाद, ब्रेकफास्ट बनाने के बाद ये हाल होता है किचन में, जो कि सब हाउसवाइफ को पता ही है। तो बस अभी मैं थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ। तो गाइज, काम देख सकते हैं आप, वैसे ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैंने साथ के साथ समेट दिया था। काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, कोई पराठे शराठे बनाते हैं तो किचन में काम फैल ही जाता है। तो चलो कोई बात नहीं, पहले करते हैं पेट पूजा फिर करेंगे काम पूजा। तो फ्रेंड्स, इसी बीच मेरा जो पार्सल है एक मैंने अमेजोन से मंगाया था वो आ गया था, तो बेटे को मैंने लेने भेजा था नीचे। तो देख सकते हैं आप, तो गाइस मैंने सोचा पार्सल मैं बाद में खोलूँगी, पहले अपना जो काम है वो निपटा लूँ। तो यहाँ देखिए, मैं क्वेश्चन यूज़ कर रही हूँ जो कि मैं बता दूँगी किस चीज़ का बना हुआ है। तो यहाँ देखिए, मेरे किचन एकदम मैंने क्लीन कर दी है, बहुत ही अच्छे से ये क्लीन हो गई है। और जो सोल्यूशन मैंने आपको दिखाया था वो है विनेगर प्लस वाटर एंड प्लस विम जेल, इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अपने कुकटॉप को आप साफ़ कर सकते हैं, अपनी जो काउंटर है उसको साफ़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। आप देख सकते हैं मेरा जो चूल्हा है वो बिल्कुल शीशे की तरह चमक रहा है और मैं हमेशा इसी से अच्छे से क्लीन करती हूँ अपने गैस स्टोव को। गाइज, यहाँ फाइनली मेरी किचन क्लीन हो चुकी है जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया है। और सब चलते हैं हॉल में और हॉल में करेंगे क्लीनिंग, और उसके बाद मैं एक आपको ऐसी चीज़ दिखाऊंगी जिसको मैंने अभी मंगवाया है, ऑनलाइन ही मंगवाया है और उसको भी यूज़ नहीं किया है। जब मैं आप उसको यूज़ करूँगी तो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने हॉल। तो गाइज देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मैसी होया हुआ है मेरा हॉल। तो रात को देखिए, कपड़े मैंने धोए थे तो यहीं मैंने लगा दिए थे कपड़े सारे, कुछ मैंने बाहर लगा दिए थे। तो बस अब मैं इसको क्लीन करूँगी, तो पूरा प्रोसेस नहीं दिखाऊँगी आपको, क्लीन करके ही पूरा अच्छे से शो करूँगी। तो गाइज़, यहाँ देखिए, मैंने अपना पूरा हॉल क्लीन कर दिया है, बेडशीट भी चेंज कर दी है, दूसरी बेडशीट लगा दी है बेड पे और अच्छे से मैंने इसको क्लीन कर दिया है। देखिए कितनी प्यारी बेडशीट है ये।
गाइस ये अमेजोन से मैंने मंगवाया था कुछ, तो अभी बेटा कह रहा है मैं इसको ओपन करूँगा, तो देखते हैं इसमें क्या है। तो गाइस ये देखिए, ये हैं लड्डू गोपाल अभ्यंग पाउडर, 100% नेचुरल, ठाकुर जी के स्नान व चमक के लिए। तो फ्रेंड्स ये मैंने मंगाया है, देख सकते हैं आप अमेजोन से, और हो सकेगा तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो गाइस काम मेरा सारा ख़त्म हो चुका है जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, और अभी मेरा पार्सल आया था ऑनलाइन, मैंने जो आपको दिखाया है वो है लड्डू गोपाल जी का पार्सल। मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए मैं अभ्यंग पाउडर उसका नाम है, क्योंकि एक्चुअली मुझे लगता है कि दही से निलाने में थोड़ा सा ठंडा लगता होगा, इस वजह से मैं फ़र्स्ट टाइम इसको यूज़ करूँगी, फिर आपको इसकी जो भी कुछ अच्छा है कैसा है वो मैं आपको बताऊँगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये छोटा सा आज मेहमान आया है हमारा घर में। मैं कौन हूँ आपकी, सॉरी मैंने गलत क्वेश्चन पूछा, मैं कौन हूँ आपकी? मामी। मैं आपकी मामी हूँ। तो गाइस ये है ना, मेरे सारे वीडियोज़ देखता है और इसको बहुत शौक है मेरे वीडियोस देखने का कि मामी वीडियो डालती है तो मैं ज़रूर देखूं। आज ये संडे था, सडनली ही आ गया है, ये 1:15 बज रहा है देखिए आप, और ये सडनली आ गया, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसको अपने व्लॉग में ले लिया जाए। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अभी इसका छोटा सा भाई हुआ है, एक छोटा सा काका है इनके घर में, तो मम्मी इनके आ नहीं पाए उस छोटे काके की वजह से, बस यही आया है, और इसके पापा आए हैं, तो पापा अभी फ़िलहाल कहीं और हैं और ये हमारे पास है, तो बस अभी बच्चों के साथ बैठ के इंजॉय कर रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको वीडियो में ले लिया जाए। देखो कितना क्यूट है ये इसका भाई इससे भी क्यूट है छोटा सा, तो जब कभी वो आएगा उसको भी मैं आपके साथ मिलवाऊंगी ज़रूर। तो फ्रेंड्स बस यही आज मेरा रूटीन था, और आज ना बाहर तो आज ना बहुत मतलब ठंडा हो रहा है बाहर, धूप आई थी मॉर्निंग में मैंने आपको दिखाया था, बट धूप अप एंड डाउन हो रही है, अप एंड डाउन हो रही है बार बार। तो देखिए अभी हो गया है 1:15 हो चुका है, और काम तो मेरा हो चुका है लेकिन अब जो दोपहर का काम है वो भी शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।